लोकसभा चुनाव सिर पर है, लेकिन उससे पहले बीजेपी के एक सांसद ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। वैसे तो इससे पहले दो और उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। एक थे पवन सिंह और दूसरे उपेंद्र सिंह रावत, लेकिन अब इस लिस्ट में तीसरा नाम उत्तर प्रदेश से शामिल हो गया है। कानपुर से बीजेपी सांसद सत्यदेव पचौरी का, जिन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। उन्होंने ये जानकारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक चिट्ठी साझा कर दी है। उन्होंने लिखा, आप सभी को अवगत कराना है कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में मैं प्रतिभाग नहीं करना चाहता हूं। इस निर्णय से मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अवगत करा दिया है। मैं पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता हूं और पार्टी द्वारा दिए जाने वाले दायित्वों का निर्वहन करता रहूंगा। सांसद की इस अपील को नड्डा ने स्वीकार कर लिया, जिसके बाद सत्यदेव पचौरी की जगह पर रमेश अवस्थी को बीजेपी ने टिकट दे दिया है। देर रात बीजेपी की ओर से जो पांचवी लिस्ट जारी हुई है, उसमें कानपुर से रमेश अवस्थी का ही नाम है। हालांकि रमेश अवस्थी से पहले कांग्रेस से आए अजय राय का नाम सामने आ रहा था, क्योंकि उनकी कानपुर शहर में अच्छी पकड़ है। लेकिन अजय राय से इतर बीजेपी ने रमेश अवस्थी को कानपुर से अपना उम्मीदवार बना दिया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।